सवाल ये है कि रिश्ते का मसला है, सही है। उसके अब्बू नहीं मान रहे, या वो नहीं मान रहे, या मेरे वालदैन नहीं मान रहे। अच्छा, अब मसला क्या है? मैं क्या करूं, क्या करूं? उसको औरत है ना जिंदगी में, या मोहब्बत है मर्द की शक्ल, मोहब्बत उसको वहां तक माइंड ने यूं पचा दिया है कि उसकी अदम मौजूदगी में वजूद मादूम हो जाता है। उसके होने से होना है, उसके ना होने से ना होना है। ये यहां तक जो पहुंचाया गया है, जो मैंने शुरू में किया है, इसको फितरत का पार्ट किसने बनाया? खुद बनाया इंसान। अपने पाला। लैला तो काली थी, मजनू ने बोला ना हमसे पूछे हम आपको बताएंगे हजरत हमारी आंख कैसे देख रही है उसको। आपने ग्लोरीफाई किया ना, आपने ग्लोरीफाई, अच्छी चीज ग्रेटनेस को ग्लोरीफाई कर लेता को ग्लोरीफाई कर लेता। अब तो हो गया ना, अब मजीद रिग्रेट दे रहे हैं गलती। नहीं, मैं गलती का रिग्रेट नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, कोई और मिल जाएगा, अल्लाह अकबर। कोई और मिल जाएगा और उससे अच्छा बेहतर। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके खावंद अबू तलहा थे ना मेरे ख्याल से, दुनिया के, या अबू सलमा सॉरी, दुनिया के इतने जबरदस्त खावंद थे वो, ये जब वो फौत हुए उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला ने इस तरह रोई, इस गम में रोई कि वो बयान नहीं हो सकता। आप सल्लम गुजर रहे थे और उनका गम देखा आप, इतना गम एक खावंद का किसी औरत को शायद ही हुआ हो जितना उनको हुआ था। आप सल्लम को एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरा मिनहा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत में एक तो अजर दे जो मुझ पे आ गई, और मुझे इससे बेहतर दे दे जो गया है मुझसे। तो उम्मे सलमा ने कहा हु कैन आई फाइंड बेटर देन अबू सलमा, ही इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। कुछ ही अरसे के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, आपको कायनात का सबसे आसन अकमल अजमल अनवर हस्ती मिली जिंदगी गुजारने। ये दलील है भैया कि जो चला गया, इस्लाम एक एटीट्यूड का नाम है ना, एक परसेप्शन का नाम, अल्लाह तुझे इससे बेहतर देगा।